खबर बीतिया से है, जहां महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय के सभागार में प्रख्यात रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती समारोह का आयोजन किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। आपको बताते चलें कि हिंदी विभाग द्वारा इस मौके पर दो सत्रों में संगोष्ठी सह काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर हो रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता MJK कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद जी ने किया। कार्यक्रम के पहले सत्र में आयोजित संगोष्ठी का विषय वर्तमान सामाजिक संदर्भ और प्रेमचंद के विषय पर चर्चा करते हुए महाविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार चंदेल ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने 300 से भी अधिक कहानियों और तकरीबन 1.5 दर्जन से भी अधिक उपन्यासों की रचना की। उन्होंने चर्चा को विस्तार देते हुए बताया कि मुंशी जी की रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात किया गया है। उधर इस मौके पर डॉक्टर शैल कुमारी वर्मा ने कहा कि प्रेमचंद जी की रचनाओं में किसान वर्ग के साथ ही नारी समाज की दयनीय स्थिति और उससे उभरने की स्थिति पर भी चर्चा की गई है। वहीं इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर संत शाह जी ने प्रेमचंद जी की समाज दर्शन को रेखांकित करते हुए बताया कि वे आम आदमी के प्रतिनिधि रचनाकार थे। प्रोफेसर शाह जी ने मुंशी जी की रचनाओं की आज के समय में बार बार अध्ययन करने की भी बात कही। उधर अपने अध्यक्षीय संबोधन में महाविद्यालय के प्राचार्य ने मुंशी जी की व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की। वहीं इस मौके पर डॉक्टर शमसुल हक, डॉक्टर शफी अहमद और तथागत बैनर्जी ने भी अपने अपने विचार और उद्गार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना, डॉक्टर शैल कुमारी वर्मा, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद केसरी समेत कई अन्य दूसरे कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजेश कुमार चंदेल ने किया और डॉक्टर संदीप कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। बेतिया से द क्राइम न्यूज एक्सप्रेस के लिए हमारे विशेष संवाददाता मिथिलेश कुमार जी के द्वारा भेजी ये खास रिपोर्ट। सर, आज जो प्रेमचंद जयंती पे व्याख्यान सह काव्य गोष्ठी हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रेमचंद ने समाज में जिन कुरीतियों और विसंगतियों को देख करके अपना पूरा साहित्य का सृजन किया, वो पूर्ण रूप से सफल अभी तक नहीं हुआ है। किताबों तक उसको समाज में उतारने के लिए, समाज में सारे वैमनस्य को दूर करके एक सुंदर समाज का निर्माण हो, इसके लिए इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य था। इस गोष्ठी के माध्यम से ये संदेश देना था। सर, चंपारण के छात्र छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे गोष्ठी के विषय में मुख्यतः? मैं यही संदेश दूंगा कि आप तो दिल्ली और बम्बई और या पटना तक जाने की क्षमता आपकी नहीं है, लेकिन उससे कम क्षमता वाला यह कार्यक्रम नहीं है। आप चाहें तो इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होकर के पटना, कम से कम पटना में इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते होंगे जो यहाँ पर कार्यक्रम होता है, आप उसमें जुड़िए और सबका एक दूसरे से नंबर लीजिए और इस कार्यक्रम में सक्रिय हो जाइए। और इससे भी भव्य कार्यक्रम इस छोटे से कमरे से बाहर निकल कर बड़े हॉल में कार्यक्रम हो, ये मेरा संदेश है और यह इनका सक्रियता। आज का ये कार्यक्रम इस महाविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र संघ का अध्यक्ष होने के नाते मेरी दृष्टि में एक बहुत ही सुंदर प्रयास है। प्रेमचंद के माध्यम से जहां हम उनके साहित्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, समाज के लिए उनके साहित्य की ज़रूरत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम विभाग के छात्र छात्राओं में साहित्य को स्थिर करने, स्थापित करने, उनमें मानसिक बदलाव लाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। वे भी आगे प्रेमचंद को समझें, अपने साहित्य को समृद्ध करें, कुछ लिखें, पढ़ें, विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए नए साहित्यकार सामने आए। सर, आजकल विभिन्न कॉलेजों में देखा जा रहा है कि हिंदी से बहुतेरे बच्चों में, यानी छात्र छात्राओं में लोग दूरी बना रहे हैं हिंदी से, तो इसका क्या कारण है और कैसे हिंदी से ज़्यादा लगाव होना चाहिए कि नहीं, इसमें भी हमारा भविष्य बन सकता है? देखिए, मैं इस विषय पर यही कहूँगा कि लाख चाहते हुए भी जी, हम हिंदी से कट नहीं सकते हैं। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, नौकरी चाकरी में उसका फायदा है, लेकिन ये जो राष्ट्रभाषा के रूप में है, भले ही हम राजभाषा ही कहें, हिंदी का एक विशेष महत्व है।
अब तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होकर मान्यता प्राप्त करने वाली भाषा बन गई है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली भाषा गई है। और हिंदी भाषा और हिंदुस्तान, इन दोनों का ऐसा समृद्ध ये शक्ति प्रदर्शन है जहां आप न हिंदी को छोड़कर जा सकते हैं, न हिंदुस्तान को छोड़कर जा सकते हैं। ये तो आपके हृदय और मानसिकता में बसी हुई भाषा है, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। MJK कॉलेज के छात्र छात्राओं से क्या कहेंगे? MJK कॉलेज के छात्र छात्राओं से कहना है कि हिंदी विभाग यहाँ का एक प्रभावशाली विभाग है। यहाँ के छात्र छात्राओं में हिंदी पढ़ने के लिए अत्यंत एक रुझान है और ये संख्या बताती है कि इस बार 350 से ज़्यादा नामांकन हिंदी प्रतिष्ठा में हुए हैं और 80 से ज़्यादा नामांकन स्नातकोत्तर विभाग में हिंदी में हुए हैं। इससे पता चलता है कि हिंदी की गरिमा और हिंदी पढ़ने वालों का जो चिंतन है कि हिंदी विभाग इसको आगे निखार रहा है और यहाँ बच्चे हिंदी पढ़ के तमाम जगहों पर नौकरियाँ पा रहे हैं, व्यवसाय से जुड़ रहे हैं और शोध कार्य करने में जुटे हुए हैं। ये इस महाविद्यालय की गरिमा भी है और हिंदी विभाग अब संपूर्ण है। यहाँ 4 प्राध्यापक हिंदी विभाग में हैं और हमारे जो खुशी की बात है, हमारे जो प्रधानाचार्य हैं वो भी हिंदी विभाग से, उनका हिंदी विभाग है, तो इसलिए हिंदी को हमेशा ये बढ़ावा और प्रोत्साहन मिलता रहा है बच्चों को, इसके चलते हिंदी विभाग पर खुल रहा है।